गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में देखा था। ये जो इफेक्ट है वो किसने फर्स्ट नोटिस किया था? सो साइंटिस्ट का नेम है हैंस क्रिस्टियन ऑर्स्टेड। इन्होंने फर्स्ट टाइम ये चीज़ ऑब्जर्व की थी कि जब हम कोई भी सर्किट अगर यूज़ करते हैं तो उसमें अगर मैग्नेटिक कंपास हमने रखा है सो वो डिफ्लेक्शन शो क्यों करता है, बिकॉज उसमें जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, मतलब यहाँ पे ये पूरी सर्किट है, अभी यहाँ से सपोज इलेक्ट्रिक करंट पास होता है सो वायर है यहाँ पे, वो एज अ मैग्नेट वर्क करता है। एंड एक मैग्नेट जब दूसरा मैग्नेट कंपास के नियर आता है सो उसमें डिफ्लेक्शन शो होता है। सो ये मैकेनिज्म से वर्क होता है। उसके बारे में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में देखा कि कैसे हम बना सकते हैं, और उसी का यूज़ इलेक्ट्रिक बेल में होता है। अब इलेक्ट्रिक बेल का वर्किंग कैसे है अच्छे से यहाँ पे देखो। सबसे पहले क्या होता है वो चीज़ देख लो। ये जो है ये कॉइल है जो इलेक्ट्रोमैग्नेट के जैसे वर्क करता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट के जैसे वर्क करेगा तो होगा क्या, उस टाइम पे जब ये जो स्क्रू है ये जो आयरन की स्ट्रिप है उसके कांटेक्ट में आएगा तो उस टाइम पे करंट फ्लो होगा। अब करंट फ्लो होगा तो ये मैग्नेट बन जाएगा उस टाइम पे, और मैग्नेट बनेगा तब तुरंत ही यहाँ से कांटेक्ट चला जाएगा। देखो कहाँ से एग्जैक्टली, ये पार्ट में से कांटेक्ट चला जाएगा और ये जो आयरन की स्ट्रिप है वो इस साइड मतलब मैग्नेट की साइड मूव करेगी। सो अगर ये मैग्नेट की साइड मूव करेगी देन ये इससे टकराएगा, उसके बाद ये मैग्नेट इसकी साइड मूव करेगा तो यहाँ से कांटेक्ट चला जाएगा। अब कांटेक्ट चला जाएगा तो सर्किट में करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। अब करंट फ्लो होना बंद होगा तो ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। फिर वापस करंट फ्लो होगा तो वापस ये मैग्नेट के फॉर्म में बिहेव करेगा एंड ये स्ट्रिप है वापस इस साइड मूव हो जाएगी। इसी तरह से ये बहुत फास्ट प्रोसेस होती है एंड इलेक्ट्रिक बेल वर्क करता है। फिर से ये चीज़ समझो, यहाँ पे ये जो स्क्रू है ये आयरन की ये प्लेट है इसके कांटेक्ट में है। जब ये इसके कांटेक्ट में होता है तब पूरा करंट फ्लो होता है, एंड करंट फ्लो के कारण हमने अभी देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट ये बन जाता है। अब देखो ये मैग्नेट बनेगा देन आप लोगों को पता है मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करता है, तो यहाँ पे ये जो मैंने ऑरेंज से दिखा रही हूँ वो आयरन की स्ट्रिप इसके साथ अट्रैक्शन शो करेगी तो ये इस साइड मूव होगा। इस साइड मूव होगा तो ये भी पूरा इस साइड मूव होगा। अब मैंने जैसे बोला कि ये जो स्क्रू है स्क्रू के साथ ये प्लेट का कांटेक्ट है, पर ये कांटेक्ट चला जाएगा अगर इस तरह से हो जाएगा, कांटेक्ट चला जाएगा तो उस टाइम पे करंट फ्लो नहीं होगा, और करंट फ्लो नहीं होगा तो यहाँ पे ये मैग्नेट के जैसे बिहेव नहीं करेगा तो वापस ये इस पोजीशन में आ जाएगा, और वापस इस पोजीशन में आएगा तो करंट वापस फ्लो होगा। करंट वापस फ्लो होगा देन ये अगेन मैग्नेट के जैसे बिहेव करेगा तो ये जो कॉइल है उसके नियर बाय आएगा। सो ये बहुत बहुत फास्ट प्रोसेस होती है एंड इसके कारण बेल रिंग हमें सुनाई देती है। और यहाँ पे कौन सा इसका यूज़ है, कौन सी प्रॉपर्टी करंट की यूज़ है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का हमने इसमें यूज़ किया है। इस तरह से पूरी सर्किट वर्क करती है। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। यहाँ पे हम हमारा चैप्टर कंप्लीट करते हैं एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।